बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग पीलो भजन इक्विय कर्मन सा हरि आहे रचियो। सारो जगत पसारो कर्मन सा हरि आहे रचियो। सारो जगत पसारो कर्मन सा कंगाल बने को कर्मन सा धनवारो। कर्मन सा कंगाल बने को कर्मन सा धनवारो। कर्म रुलाए थो दर दर ते कर्म भोग दे भारो। कर्मन सा हर आहे रचियो। सारो जगत सारो कर्म मिलाए थो सभनी के कर्म विछोड़न हारो। कर्म विछोड़न हारो। कर्म मिलाए थो सभनी के कर्म विछोड़न हारो। कर्म हसाए कर्म रुआए कर्म करे सो भारो। कर्मन सा हरि आहे रचियो। सारो जगत पसारो कर्मन सा के सुख माणन था किन जो दुखियो गुजारो। कर्मन सा के सुख माणन था किन जो दुखियो गुजारो। कर्मन जो सब लहणो देणो कर्मन जो वहवारो। कर्मन सा हरि आहे रचियो। सारो जगत सारो जगत कहे टेऊं कर्मन जे अगियां चले न कहिंजो चारो। कहे टेऊं कर्मन जे अगियां चले न कहिंजो चारो। कर्म कहीं था की न टरे थो भोगे थो जग सारो। कर्मन सा हरि आहे रचियो। सारो जगत पसारो। कर्मन सा हरि आहे रचियो। सारो जगत राग पीलो भजन कीस। कर्मन सा हरि आहे रचियो। सारो जगत पसारो। ठीक। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो जस कर है सो तस फल चाखा। संपूर्ण सृष्टि जो परमात्मा ने बनाई है ईश्वर की वो सारी क्रीड़ा कर्म आधारित है। प्राणियों का जन्म सुख दुख की प्राप्ति मृत्यु ये सब कर्मों के आश्रित है। प्रारब्ध बनती है वो भी कर्म है। तो कर्म के ऊपर सारी सृष्टि भगवान की संचालित होती है। इस भजन में गुरु महाराज जी वही शिक्षा दे रहे हैं कि परमात्मा ने ये सारा संसार का पसारा कर्म पे आधारित बनाया है। कर्मन सा कंगाल बने को
करमन साधन वारो कर्म रुलाए थो दर दरते कर्म भोग दे सारो। दरिद्रता और शाहूकारी धन संपत्ति की प्राप्ति ये सब कर्मों के ऊपर आधारित है। भगवान पक्षपात नहीं करते, जैसा जिसका कर्म इस जन्म का पिछले जन्मों का वैसे ही भोग की उसे प्राप्ति होती है। सुख या दुख रूप में कर्म मिलाए तो सबनी के कर्म विछोरण हारो कर्म हसाए कर्म रोवाए कर्म करे सो भारो। किसी को मिलना बिछड़ना ये भी कर्म के ऊपर निर्भर है। किसके साथ संयोग होगा, परिवार मित्र संबंधी, ये सब बातें पहले से लिखित है। कर्मों के अनुसार जीवन के अंदर सारी लीलाएं होती है। हंसना रोना ये सब बातें कर्मों के ऊपर आधारित है। कर्मन साके सुख माणन था किन जो दुखियो गुजारो कर्मन जो सब लहणो डेणो कर्मन जो व्यवहारो। कोई सुखी है कोई दुखी है, कोई अपने व्यवहार धन संपत्ति में बहुत आगे बढ़ जाता है, कोई मेहनत करने के बाद भी पीछे रह जाता है, तो ये सारी बातें कर्मों के ऊपर आधारित हैं। कहे टेहूं कर्मन जे अज्ञा चले न कहें जो चारो कर्म कहीं ता कीन टरे थो भोगे थो जग सारो। कर्मों की गति बहुत गहन है। किया कर्म कब मिटता नहीं कहते वेद पुराना है। जो कर्म किया गया है उस कर्म का फल भोग अवश्य ही इस जीव को भोगना है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ जैसा जैसा कर्म किया गया है उसके अनुसार उस फल की प्राप्ति अवश्य होती है। कर्म करने में जीव स्वतंत्र है लेकिन फल भोगने में परतंत्र है, उसे फल भोगना ही पड़ेगा। रे मन मेरा कर्म करो शुभ कर्मन का ये जहाना है। तो गुरुवार जी ने भजनावली में भी लिखा है कि शुभ कर्म करो, अगर सुख चाहते हो तो शुभ कर्मों की तरफ अपने मन को लगाओ। इस भजन में गुरु महाराज जी ने कर्म की महिमा का बखान किया है। अमरापुर वाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी भरल जह में भावजी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत
सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।